दोस्तों, हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग से जुड़े सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या पूरी खबर है, देखिए। पुलिस बल में फाग के तुरंत बाद 5,416 पुलिसकर्मी शामिल हो जाएंगे। 5,500 पुलिसकर्मियों में से 3,087 पुलिसकर्मियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया सोमवार को पूरी की जा चुकी थी। बाकी 2,413 पुलिसकर्मियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई है। 2 दिन तक चली इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया में 84 अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना गया है और इनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इन 84 युवाओं का पूरी तरह से स्क्रीनिंग करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय दिया जाएगा। फिलहाल ये अभ्यर्थी न तो दोषी है और न किसी तरह के अपराधी है, लेकिन जांच प्रक्रिया में यदि ये सही पाए जाते हैं तो इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी पूरी करवा दी जाएगी। हरियाणा सरकार को जो 5,416 अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार बुधवार को फाग का त्यौहार है, जिस कारण अगले दिन बृहस्पतिवार को इन सभी अभ्यर्थियों को हरियाणा पुलिस बल में शामिल मान लिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, बचे हुए अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक निशान मिलान की रिपोर्ट मंगलवार को आयोग की ओर से मधुबन पहुंची, जिसमें 84 लोग संदिग्ध मिले हैं। जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट की रिपोर्ट है वो भेजी गई है, उसके अंदर से मिले हैं। इस प्रकार बचे हुए कैंडिडेट की लिस्ट जा चुकी है, मधुबन पहुंच चुकी है, और ये लिस्ट हमारे पास जब भी आएगी तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाग के बाद बहुत जल्द आप सभी कैंडिडेट की बृहस्पतिवार को सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग सभी की हो जाएगी। ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। आयोग की ओर से ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और सूची राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है, ये बताया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।